स्वागत है आपका पल्प गल्प टॉक शो में। कॉमिक स्टोरी की तरफ से ये टॉक शो हम लोग करते हैं। आज हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध कार्टूनिस्ट कॉमिक्स आर्टिस्ट नीरज जी। सभी लोग उनको नीरज नाम से ही जानते हैं। नील कमल वर्मा उनका असली नाम है, लेकिन फेमस वो नीरज नाम से ही हैं। कॉमिक्स के फील्ड में काम कर चुके हैं, बाल पत्रिका, बहुत से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में काम कर चुके हैं, यूनिसेफ जो कि बहुत विश्व स्तर पे काम करती है उनके साथ काम कर चुके हैं, और 25 से ज्यादा संस्थाओं के साथ काम कर चुके हैं। नीरज जी के बारे में इंट्रो देने से पहले मैं पल्प गल्प टॉक शो का एक बेसिक आइडिया कन्वे करता हूँ। ये जो टॉक शो है इसका मेन विजन कहें या फिर पर्पज कहें, वो है कॉमिक्स पॉपुलर कल्चर में अच्छे टॉपिक्स पर बात करना, संजीदा विषयों पर बात करना, हल्के फुल्के विषयों पर बात करना, कुछ नए विषयों पर बात करना, ताकि कुछ रचनात्मक सकारात्मक चीजें निकल कर आए। क्योंकि आजकल काफी नेगेटिव और अब्यूसिव, एक कह सकते हैं सोशल मीडिया में अब्यूसिव कल्चर एक पनप रहा है, जहाँ की ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों को देखना पड़ता है हमें जो कि रचनाकार हैं, कई बार पब्लिशर भी होते हैं, जो कि एक अब्यूसिव कल्चर में इन्वॉल्व हैं या उसको क्रिएट कर रहे होते हैं। तो उन सब चीजों को एक तरीके से दरकिनार करना और ये दिखाना कि हाँ, उससे भी बढ़िया चीजें हैं। हमारे ये जो कॉमिक्स कल्चर है, पॉपुलर प्रिंट कल्चर है, यहाँ बहुत अच्छी चीजें हैं जिन पर की बात की जा सकती है। तो ये पल्प गल्प टॉक शो का एक बहुत से मोटिव्स हैं, उसमें से एक मोटिव ये है इसको रखते हुए, क्योंकि ये बहुत रिलेवेंट है आज के टॉपिक पर, कार्टून कॉमिक्स एंड आर्ट। नीरज जी के साथ जो बात होने वाली है उसमें बड़ा रिलेवेंट ये होने वाला है। तो शुरुआत करने से पहले मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा नीरज जी के वर्क्स पर, एक स्लाइड शो है वो आप देखिए, उसके बाद हम फिर नीरज जी से डायरेक्ट बात करेंगे। एक सेकंड दीजिएगा, मैं स्लाइड शो शेयर करता हूं आपको।
बहुत बढ़िया। मैं तो शंभु जी बीच में मैं बोलूंगा थोड़ा। जी सर बिल्कुल। ये काफी बढ़िया जुटा लिया था आपने जी सर, और बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए मुझे कि कहाँ कहाँ से सामग्री आपने जुटा ली है और मैंने भेजी भी नहीं आपको। आपके प्रोफाइल और हाँ, और नहीं मैं भी और कुछ भेजता लेकिन मैं मौका नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन बड़ा अच्छा लगा ये स्लाइड शो और बड़ा अच्छा डिजाइन किया आपने, वाकई बहुत बहुत बढ़िया। ये रहनुमाई है भाई आप सबकी, बहुत बढ़िया जी सर। तो जैसा मैंने कहा कि स्लाइड शो में आपको दिखा होगा नीरज सर का वर्क, उसके अलावा बहुत कुछ है जो कि जानने के लिए है नीरज सर के बारे में, उनके काम के बारे में, और कह सकते हैं दुर्भाग्य से जो हम लोगों का कॉमिक्स कल्चर रहा है, हालांकि बहुत बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी काफी 50-60-70 साल से चल रहा है, हमें बड़ा कम देखने में आता है ऑटोबायोग्राफी। और यहाँ मैं बताना चाहूंगा नीरज सर की ऑटोबायोग्राफी जल्द आने वाली है, तो उनके बारे में बहुत ही डिटेल में हमको जानने को मिलेगा मौका। लेकिन फिलहाल इस टॉक शो में हम लोग उनका जो वर्क है, उनका जो आइडिया है, उनका पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में जानेंगे, उनके करियर के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने काम शुरू किया, क्या आइडियाज थे उनका, क्या एक कहें स्टैंड था, क्योंकि कार्टून विद्या में जो उन्होंने काम किया उसमें एक जिम्मेदारी भरा स्टैंड लेने की जरूरत पड़ती है, और कंट्रोल कंट्रोल खुद पर और अपने विचारों पर भी, और अपनी सामग्री जो बनाया जाता है उस पर भी वो एक अपनाना पड़ता है। उस बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बड़ा रिलीवेंट है आजकल का जो एक कल्चर है सोशल मीडिया में, मीम जो आजकल प्रचलित है, हल्के फुल्के मीम भी आते हैं लेकिन अभद्र अश्लील मीम भी बड़े प्रचलित हैं। हाल ही में हमने जो देखा इस कॉमिक्स कल्चर में खासकर बड़े शर्मनाक तरीके से कॉमिक्स के रचनाकार भी उसमें जुड़े हुए हैं, ऐसे अभद्र अब्यूसिव कल्चर को वो बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें वो इन्वॉल्व हैं, और मुझे लगता है नीरज सर से बेटर हास्य कार्टून और मीम अगर बोलें, वो जो उसका एक कोर होता है हास्य, उस पर नीरज सर जो बता पाएंगे वो काफी रिलेटेबल है सभी के लिए कि हम किस तरीके से अपनी जो विद्या है हास्य विद्या उस पर हम किस तरीके से काम करें। तो नीरज सर मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कार्टून विद्या में जो आपने स्टार्ट किया वो एक बहुत कठिन विद्या है, कठिन इसलिए क्योंकि उस वहां पे सेल्फ कंट्रोल होना बड़ा जरूरी है, जो मैं मानता हूं कि कार्टून के द्वारा बहुत कुछ हजारों सालों से कहा जाता रहा है, कार्टून असली कार्टून का जो कल्चर है वो एक अलग कल्चर रहा है, ये इसको छुपाया मैं नहीं छुपा सकता क्योंकि उस बारे में इतिहास में हमने पढ़ा हुआ है कि इस तरीके के कल्चर एग्जिस्ट करते हैं, पहले भी करते थे अभी भी करते हैं, लेकिन वहां पे संजीदा तरीके से कार्टून को एक विद्या के रूप में आप किस तरीके से आपने शुरू किया, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? शंभू जी आज तो शुरुआत में ही दो कार्टून बन गए हैं जी, एक तो हमारा ऑडियो नहीं आया वो तो भी कार्टून का हिस्सा था और दूसरा मैं आपके पीछे देख रहा हूँ बल्ब गल्प शो का, वो भी कार्टून ही है कि उल्टा दिख रहा है मुझे? अच्छा मुझे सीधा दिख रहा है वो, तो वो भी जा रहा है वहाँ पे उल्टा, मैं समझ रहा हूँ, मैं वो टेक्निकल बात समझ रहा हूँ लेकिन अगर शुरुआत इन बातों से करनी हो तो अच्छा लग रहा है जी, जी, ये तो मैं कार्टून का हिस्सा शुरू में मैं ही बन गया कार्टूनिस्ट हूँ तो बनना मुझे बुरा भी नहीं लगा कि भाई कार्टूनिस्ट हूँ तो बनना ही पड़ेगा। दूसरा आप इसके होस्ट हैं तो आपने भी कार्टून बना ही दिया आज जो उल्टा दिख रहा है मुझे, चलिए कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि दो बातें हैं कार्टून के बारे में, या तो कार्टून बनाना आसान है या कार्टून बनाना कठिन है। कई बार लोगों ने खुद ही कहा है कि मैं ड्राइंग करता हूं तो मुझसे कार्टून बन जाता है, कहते हैं लोग कि मैंने ड्राइंग कोई शुरू की, ड्राइंग की कोशिश की तो ड्राइंग नहीं बनी कार्टून बन गया। तो कार्टून को परिभाषित कैसे करते हैं हम? कार्टून को परिभाषित तो आमतौर पर ऐसे ही करते हैं ना कि भाई अगर
बिडॉल शरीर बन गया, उसकी आकृति सही नहीं बनी, उसकी नाक बड़ी बन गई, आंखें छोटी बन गई या आंखें बड़ी बन गई या कुछ भी, जो एबनॉर्मल है, जो एबनॉर्मल आकृति है, लोग उसको कार्टून कहते हैं। मेरा मानना थोड़ा इससे अलग होगा। कई बार इसे गलत मैसेज भी आता है। कार्टून में भी एक एनाटोमी तो होता ही है। नाक आप पैर की जगह नहीं बना सकते हैं, आंखों को आप आंख की जगह ही बनाएंगे। एनाटोमी और बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन है उसका पूरा ख्याल रखना पड़ता है। मेरे ख्याल से प्राण साहब के जो कार्टून थे वो रियलिस्टिक के बहुत करीब थे, मतलब वास्तविकता के बहुत करीब थे। पॉलिटिकल में जाएं तो आर के लक्ष्मण के कार्टून वास्तविकता के बहुत करीब थे। उसमें ह्यूमर होता था कैरेक्टर में, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कुछ भी बना रहे हो। लेकिन जब उसमें बहुत विविधता लानी हो, विदेशी कॉमिक स्ट्रिप को देखेंगे आप, बहुत ज्यादा विजार्ड ऑफ इड है, ये और भी है, ये नाम तो एकदम से मुझे याद कभी नहीं भी आते हैं, तो कुछ भी है, मतलब पैर है ही नहीं, दो छोटे पैर हैं, हाथ तीन ही हैं, उंगलियां तीन हैं, कुछ कुछ होता है इस तरह का। लेकिन उन बातों पर नहीं जाना है। मुझे लगता है कि कार्टून में जो बातें कही जानी है वो इम्पोर्टेंट होगा, कार्टून कैरेक्टर या उसके फॉर्म पर नहीं जाना होगा। फॉर्म अलग हो सकता है, बाल खड़े हो सकते हैं, बाल गिरे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आंखें छोटी बड़ी कोई बात नहीं है, थोड़ा एनाटॉमी का ध्यान देख करके। लेकिन कार्टून की जारी है ये जो बात कही जानी है वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा ना हो कि किसी के मन को आहत करे, किसी को तकलीफ पहुंचाए और उसे उसके बाद बड़ी बड़ी बातें हो जाएं। मेरे साथ भी हुआ है, कुछ कभी हुआ है, एक जमाना था यहाँ से पटना से ही बैठकर कुछ ऐसी बात हो गई थी। लेकिन उनका ध्यान रखना पड़ता है, संयम बरतना पड़ता है। तो कार्टून से कहा जाने वाला मैसेज, ये कार्टून के बारे में कह रहा हूँ, रियलिस्टिक के बारे में नहीं कह रहा हूँ। रियलिस्टिक ड्रॉइंग तो अलग होगी, उस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि मैं दोनों ही करता हूँ। तो कार्टून में अक्सर होता है लोगों को कि जैसे हमने आकृति बेडॉल बना दी तो कह भी कुछ भी सकते हैं, थोड़ा बचना चाहिए। मेरा ख्याल है, मेरी निजी राय है, मेरे अनुभव है कि आकृति कुछ भी बना लो मगर मैसेज थोड़ा सोच समझ करके डालो, नहीं तो बातें बहुत बढ़ जाती हैं। और खासकर पूरी दुनिया में तो है ही, अपने देश में भी है, इन सब बातों से बचना चाहिए। मैं लोगों को हिदायत भी देता हूँ। अभी हाल में एक इंटरव्यू दूरदर्शन ने दिखाया तो मैंने वहां भी ये बात कही कि नहीं, शब्दों का, पंक्तियों का, भाषा का, सबका एक उसकी मर्यादा होती है, उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। और कार्टून मैंने कैसे सीखा है ये तो मुझे भी लगता है कि मुझे लगता है कि आज ही मैं सीख गया। चलिए लोग आगे बढ़ते हैं शंभू जी, और कुछ? जी सर, कार्टून और कॉमिक्स बहुत कनेक्टेड हैं आपस में, तो आप कार्टून और कॉमिक्स को किस तरीके से जोड़ के देखते हैं? क्योंकि कार्टून का जो एक प्लेटफॉर्म या ऐसा कहें मीडियम है वो सिंगल में भी आ जाता है, सिंगल पेज में भी आ जाता है, कॉमिक्स का थोड़ा सा स्टोरी वाइज रहता है, बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं। जब आप इस फील्ड में आए तो आपकी प्रायोरिटी क्या थी, कि कार्टूनिस्ट बनना है यानी कि अखबार में कार्टून्स बनाने हैं पॉलिटिकल या फिर जो भी सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, कमेंट्री होती है, या फिर कि कॉमिक्स ही बनाना था आपको शुरू से? नहीं, मेरे ख्याल से तो जो कोई शुरुआत कर रहा होता है उसका कोई स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकता है। जहां मौके मिले, अगर शंभू जी ने कार्टून बनवा लिया तो वहां भी बना देंगे, किसी और ने कहा तो वहां भी बना देंगे, ये होना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप शुरुआती दौर में स्पेशलाइजेशन की बात आप करने लगेंगे, पॉलिटिकल बनाएंगे या कॉमिक बनाएंगे, मैंने बहुत पहले प्राण जी से पूछा था कि प्राण साहब आपने पॉलिटिकल कभी बनाया कि नहीं बनाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पॉलिटिकल नहीं बनाया, मैं तो बस यही बनाता हूँ, रमन श्रीमती जी वगैरह बनाता हूँ। तो मैंने कहा कि उनका स्पेशलाइजेशन होगा या पॉलिटिकल की ओर रुझान ही नहीं होगा। मैंने पॉलिटिकल कार्टूनिंग भी शुरू की, बहुत शुरुआत में ही कार्टून बनाया पॉलिटिकल, और अभी भी मौका मिलता है बनाता हूँ।
लेकिन स्पेशलाइजेशन जो है ना वो आपकी सफलता पर डिपेंड करता है। अगर आप जिस क्षेत्र में सफल होते हैं वो उसमें आप स्पेशलाइज होते जाते हैं। अगर कॉमिक में अगर आपको काम मिलता गया या लोग चाहने लगे, आपकी डिमांड आने लगी और ओवरलोड डिमांड है, तो स्वाभाविक रूप से आप पॉलिटिकल कार्टून नहीं बनाएंगे, आपका हो गया स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन जो है ना कभी सोच के हो नहीं पाता है। आर्टिस्टों में भी, फिल्मों में भी कोई नहीं कहता कि मैं रोमांटिक फिल्में ही करूंगा। रोमांटिक उसको फिल्में मिलने लगती हैं इसलिए रोमांटिक का वो उसकी कसौटी पर आ जाता है तो रोमांटिक फिल्में मिलने लगती हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, आपको सारे दायरे खुले रखने चाहिए, कोई भी ऑप्शन बंद नहीं हो, उससे विविधता आएगा आपके काम में, विविधता आएगी और आप ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। तो मैंने कॉमिक को तो प्रायोरिटी दी ही है, मैं बेसिकली कॉमिक आर्टिस्ट ही हूँ। और कॉमिक में कार्टून को जब आप उसमें इंसर्ट करते हैं तो फ्रेम्स बाई फ्रेम्स बनते जाते हैं तो बन जाती है कॉमिक, उसमें कहानी होती है फिर कॉमिक बन जाती है, वो कैरेक्टर तो वैसे ही होते हैं। जी सर। तो सर कार्टून कॉमिक्स और जो आपका एक मेरे ख्याल से मुख्यतः हमने देखा है हास्य जो टच है उन चीजों में, बाल पत्रिका वाले उसमें खासकर, वहां दो चीजें आती हैं जो एक आर्टिस्ट के नजर से मैं पूछना चाहूंगा कि आर्टिस्ट के नजर से जब आप ड्रॉ करते थे या फिर अपनी चीजें जब पेश करते थे अपनी कला, तो आप क्या ध्यान में रखते थे कि मैं क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, किसके लिए बनाऊं, क्या पर्पज होता था? मतलब एक कि जैसे मैंने कहा कि संयम, जो आपने भी कई जगह पे कहा है कि बड़े जिम्मेदारी के साथ और संयम के साथ में काम करना पड़ता है, तो उस चीज को आपने कैसे अपने करियर में शुरू में बाद में फेस किया, सीखा? और जैसे आपने बताया कि कुछ इंसिडेंट भी हुआ था, तो अगर कुछ इंसिडेंट आप बता पाए। उस इंसिडेंट को बताना तो अभी यहाँ पर सोशल प्लेटफॉर्म पर उचित नहीं है। उसका भी कभी दूरगामी असर होता है, दुष्परिणाम आ जाता है निकल के बाद में भी, तो शायद यहाँ उचित नहीं होगा। बस यही समझ ली कि वो पॉलिटिकल इशू बन गया था और मुझ पर वो मुझे ढूंढा जाने लगा था। हाँ, और ढूंढा जाने लगा था और मेरे कत्ल तक की बात आ गई थी कि भाई नीरज जी को खत्म कर दो। हाँ, लेकिन फिर उसके बारे में मुझे खंडन करना पड़ा कि मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया है और फिर मैं बचा। मेरा मानना है कि कार्टूनिस्ट को एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए। जैसे जिसके लिए भी आप बना रहे हैं तो उसके लिए पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए। अगर डायमंड कॉमिक्स के लिए बना रहा हूं मैं तो डायमंड कॉमिक्स से गुलशन जी को सोच रहा हूं कि वो क्या चाहते हैं, उनके रीडर्स क्या चाहते हैं, पाठक उनकी कैसी है, पाठक की जो उनकी रुचि है वो कैसी है, उस रुचि का ध्यान रख करके, उनकी इंटरेस्ट को ध्यान रख करके। फिर वैसे ही अगर राज में कर रहा हूँ या किसी और में कर रहा हूँ, किसी पत्रिका में कर रहा हूँ, तो मुझे उसका ध्यान रखना पड़ता है और रखना चाहिए। आप अपनी चीज, आप अपनी ड्राइंग को बहुत दिन तक नहीं थोप सकते हैं, हमेशा उसमें वैरायटी लानी पड़ेगी। भाई अक्सर होता क्या है कि लोग इस गुमान से भर जाते हैं कि मेरी यही चीज चलेगी, लेकिन कई बार पब्लिशर की बात माननी पड़ती है, दर्शकों की बात माननी पड़ती है और आपको अपने स्टाइल में परिवर्तन लाना पड़ता है। एकदम से एक अपनी राह पकड़ लो और सारे पब्लिशर आपको उसी तरह स्वागत करेंगे, मुझे लगता थोड़ा मुश्किल है। हर एक तरह का, मैं जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि मैं रियलिस्टिक ड्राइंग भी करता हूं, कार्टून भी बनाता हूं, सेमी रियलिस्टिक भी करता हूं, यूनिसेफ की मीना राजू है उसकी ड्राइंग भी करता हूं, अभी वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ की बात आप लोगों ने की हुई है उसकी ड्राइंग अलग होती है। तो अगर मैं कॉमिक वाली ड्राइंग यहाँ करूंगा तो उनको पसंद नहीं आएगा और यहाँ वाली वहां नहीं, तो आपको हमेशा अपने में खुद में नए सृजन करने पड़ेंगे आपको। मैं इस बात के साथ हूँ, और नहीं तो अगर आप सोचेंगे कि मेरी पूछ होती है, मेरी डिमांड है,
तो भाई देखो, डिमांड जो है तभी तक है जब आपको आपकी डिमांड आपको दिख रही है। कई बार घटती हुई डिमांड आपको पता नहीं चलती हो, डिमांड घट जाती है अचानक। फिल्मों में ऐसा हुआ है, राज खन्ना अमिताभ बच्चन सबके साथ होता है, आपको पता नहीं चलता है। अमिताभ बच्चन ने पुकार और जादूगर तूफान जैसी फिल्में कर दी, एकदम से गिर गए हो। फिर उन्होंने अच्छी फिल्में शुरू की। राज खन्ना भी बहुत, उनको लगा कि मैं ही हूं केवल। तो उनकी ऐसी घटी पोजीशन कि बाद में फिर अवतार और सौतन से लौट के आए। तो कोई भी एक्टर, कोई भी फिल्म मेकर, कोई भी कॉमिक आर्टिस्ट अपनी एक छाप ना बनाए, मैं तो ये मानता हूं उससे आपकी पहचान जरूर बन जाती है कि वो ऐसा बनाता है, वो ऐसा बनाता है। नीरज की ये ड्राइंग है, मगर मेरी ड्राइंग को लोग सोचने लगे, अच्छा ये नीरज की ड्राइंग है, ये तो पहचान नहीं आ रही। ये मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि नहीं, नीरज की तो ड्राइंग बिना नाम लिखे पहचान में आ जाती है। ये कोई बहुत बड़ी काबिलियत नहीं है इसमें कि नीरज जी को तो उनको उनका तो नाम भी नहीं लिखा रहता है, उनकी ड्राइंग तो पहचान में आ जाती है। तो ये ड्राइंग पहचान में आ जाना, ये कौन सी काबिलियत है भाई कि मेरी ड्राइंग पहचान में आ जाती है? आप अपनी ड्राइंग की पहचान के लिए काम कर रहे हो क्या, कि आप अपने पब्लिशर, अपने दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए काम कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत अजीब सी बात लगती है। बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट कहते हैं, मेरी मेरी ये स्टाइल है ना, ये मैं नाम नहीं लिखता हूँ फिर भी लोग पहचान जाते हैं कि मैंने बनाया है। और मैं सोचता हूँ अलग, कि आप अपने ड्राइंग की पहचान, आपको ये दिमाग में बैठा हुआ कि मेरी ड्राइंग है, मेरी पहचान है, आप पहचान के लिए काम कर रहे हो, उसके बिजनेस के लिए काम कर रहे हो? वो पब्लिशर के बिजनेस के लिए कर रहे हैं ना, आप दर्शकों की या पाठकों की मांग के लिए कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि मैं राज में जाऊं या डायमंड में रहूं, तो वहां चार सीरीजें हैं, चारों की ड्राइंग अलग है, चारों के कैरेक्टर अलग हैं, मुझे बनाने पड़ेंगे। तो मैं उनके हिसाब से तो हो गया फिर, तो आपकी ड्राइंग, अपनी शैली तो अलग हो जाती है फिर। सब तरह की ड्राइंग करनी पड़ रही है आपको। बांकेलाल मिल जाएगा तो बांकेलाल बनाना पड़ जाए तो फिर आपकी ड्राइंग तो रही नहीं हो, आपको बांकेलाल को फॉलो करना पड़ेगा ना फिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपनी स्टाइल नहीं थोपनी चाहिए पब्लिशर या दर्शकों पर। बिल्कुल तो मार्केट डिमांड के हिसाब से बेसिकली काम करना चाहिए, और स्किल जो है उस स्किल में वैरायटी रखनी चाहिए, और हाँ हाँ जिम्मेदारी होनी चाहिए समाज के प्रति और अपने काम के प्रति और हाँ काम कर रहे हैं उसके प्रति भी, कि एग्जैक्टली हम अपने ही चलाते रहें।